नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स एंड प्रोफेशनल्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लाइव संदीप मानुगने डॉट ओआरजी में। कैसे हैं आप? आई होप दिस नॉलेज जर्नी इज एडिंग अ लॉट ऑफ कलर एंड फ्लेवर टू योर लाइफ। बस यही तो ज्ञान की यात्रा का मकसद होना चाहिए। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं साथियों, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, जिसके चार अंक होंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ फोर एपिसोड ऑफ दिस न्यू सीरीज। द सीरीज इज टाइटल्ड चाइनीज फिलोसोफर्स। सुन के ही मजा आ गया होगा आपको, चीनी दार्शनिक। चीन एक बहुत बड़ी, बहुत प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत सभ्यता रहा है, और वहां से जिस तरह के दर्शन शास्त्र निकल कर आए हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेरियस फिलोसफीज दैट केम आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन कॉल्ड चाइना। पार्ट वन वुड बी डेडिकेटेड टू कन्फ्यूशियस द ग्रेट फिलोसफर एंड कन्फ्यूशियनिज्म द वे ऑफ लाइफ द ह्यूमेन सिविल रिलीजन दैट द मैन कॉल्ड कन्फ्यूशियस गेव बर्थ टू। एक्साइटेड? मजा आएगा। आइए सबसे पहले दो प्यारे प्यारे हमारे छात्रों से मिलते हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत टेस्टिमोनियल्स हमारे लिए। द फर्स्ट इज प्रियंका खाड़े फ्रॉम नवी मुंबई। प्रियंका जी लिखती हैं, हाय सर, थैंक्स टू यू एंड पीटी टीम फॉर ऑल द हार्ड वर्क। आई एम लकी टू हैव यू एज अ टीचर। प्रियंका जी, वी आर लकी टू हैव यू एज अ स्टूडेंट। एज यू नो दैट सिटी लाइफ इज सो कंपेटिटिव एंड पीपल बिकमिंग सो मटीरियलिस्टिक दैट दे फॉरगेट बेसिक थिंग्स लाइक बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, हैविंग इन्फॉर्मेशन टू स्टडी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रियंका, पीपल हैव लॉस्ट ऑल दिस फॉर द सिंपल रीजन दैट दी मियर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज सो इंटेंस दैट पीपल थिंक देर इज नो वैल्यू इन इट। बट आई फील द रिवर्स, मुझे उल्टा लगता है कि अगर ओरिजिनल ज्ञान थोड़ा भी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट दिन में आदमी इन्वेस्ट करे, ही और शी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंटरनल एनर्जी टू एक्चुअली फाइट द मटीरियलिस्टिक बैटल मच बेटर। आगे आप लिखती हैं, join the never ending rat race, however all this pointless routine I find the wisdom of knowledge through these lectures। मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रियंका, आपने ये लिखा है। और आप अंत में लिखती हैं, I wish this knowledge journey should never end। कभी एंड नहीं होगी, आप देखते चलिएगा, अलग अलग सोर्सेस से हम लगातार आपके लिए नया 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 कुछ लाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू प्रियंका, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सीधे चलते हैं झारखंड। हमारे साथ राजीव कुमार जी जुड़ गए हैं झारखंड से। आप लिखते हैं, डियर गुरुजी चरण स्पर्श, आशीर्वाद आपको राजीव जी। लकी टू हैव यू एज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वेर एवर आई गो इन माय लाइफ आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हैड अ लव ऑफ लर्निंग इग्नाइटेड बाय योर क्यूरियोसिटी एंड मेड लर्निंग मच मोर फन। मुझे बहुत खुशी है कि आपके मन में सीखने की इच्छा को मैं फन के रूप में प्रेजेंट कर पाया। इससे बड़ी विजय किसी टीचर के लिए नहीं हो सकती। बहुत खुशी होती कि बच्चे पढ़ने से प्यार करने लग जाएं, जबरदस्ती नहीं। आगे आप लिखते हैं, यू टॉट अस ऑल टू अप्रिशिएट क्लैरिटी ऑफ माइंड थ्रू प्रॉपर आइडिया एंड हाउ टू पे अटेंशन टू द बिगर पिक्चर। इंडीड, और आपने इस चीज को समझा, ये बहुत बड़ी बात है। अंत में आप लिखते हैं, एक लाइन आपके लिए बोलना चाहते हैं, आपने हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात बोल दी, डर लग गया हमको सुन के। कैसे बताएं मेरी नजर में क्या है आप? डरते हैं उस खुदा से, वरना कह देते कि खुदा है आप। तो राजीव कुमार जी, किसी भी इंसान को कभी भी इतना सम्मान मत दीजिए कि उसको आप खुदा से ही सीधे कंपेयर कर दें, क्योंकि हम तो सिर्फ एक मीडियम है आप तक ज्ञान लाने का, और ज्ञान है हम सबका खुदा, ज्ञान है हम सबके लिए शंकर भगवान, आदि गुरु, जिससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी का टेस्टिमोनियल एक बार और देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच राजीव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। टाइम फॉर अस टू स्टार्ट आ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूशियस। ये रहे परम आदरणीय कन्फ्यूशियस साहब। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बड़े ही मैच्योर व्यक्ति को, जिन्होंने जीवन को समझने का प्रयास किया और एक मानवतावादी धर्म वो दुनिया को देकर गए। कन्फ्यूशियस और उनकी टीचिंग्स वर अ सेट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच taught mankind how a society should be structured based on compassion. That is what makes Confucius a great Chinese thinker, and that is what led to his fall in the 20th century at the hand of the communist regime. Mao Zedong ने और उनके कम्युनिस्टों ने कन्फ्यूशियस को इरेजर लेके इतिहास में से मिटाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन 21st सेंचुरी में शी जिनपिंग को समझ में आ गया दैट द सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन ऑफ चाइना कैन नेवर बी डन प्रॉपरली विदाउट द स्प्रेड ऑफ कन्फ्यूशनिज्म। तो कन्फ्यूशियस लर्निंग सेंटर्स दुनिया भर में खोलते फिर रहे हैं। बट एनीवे, तो साथियों, आज सबसे पहले अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ चाइनीज हिस्ट्री हम देखेंगे। चीन के फिलोसोफर्स को समझने के लिए चीन के इतिहास को बेसिक रूप से समझना बहुत जरूरी, नहीं तो कंटेक्स्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं, कन्फ्यूशियस, ये रहे 10 पॉइंट, मजा नहीं आएगा। तो आइए चीनी इतिहास पर नजर डालते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज द टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइनाज हिस्ट्री। विकिपीडिया को धन्यवाद, जिन्होंने इतनी खूबसूरत इमेज प्रेजेंट की है। द टाइमलाइन ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, अर्थात चीनी इतिहास का पूरा समय और जो कालचक्र पूरा है वो ये है।
टाइमलाइन ऑफ द चाइनीज हिस्ट्री। थोड़ा सा आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो मेन पट्टा है वो सारी डायनेस्टीज बताता है। इनके नाम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी हम आ रहे हैं कन्फ्यूशियस कहां थे, जूम इन करके देखेंगे। शिया, शैंग, झाऊ, किन, हान, फिर उसके बाद एक थ्री किंगडम्स का, फिर जिन, फिर सदर्न एंड नदर्न डायनेस्टीज, फिर उसके बाद आगे आते हैं सुई, फिर आते हैं तांग, फिर उसके बीच में और दूसरी डायनेस्टीज आती हैं, फिर सोंग, युआन, मिंग। तो जो आपको हमने अभी तांग डायनेस्टी का बताया था, तो उसके बाद सोंग, युआन, मिंग, क्विंग, यहां आके कहानी खत्म होती है और रिपब्लिक ऑफ चाइना सन या सेन बना देते हैं और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ ज़ेडोंग बना देते हैं। ये सारी डायनेस्टीज हैं, समझ गए आप। एक टॉप लेवल पे जूम इन करते हैं, आप देखेंगे जूम इन में अब हम कन्फ्यूशियस के एरा में आ गए हैं। इसलिए मैं पहले ये आपको अच्छे से बता दूं, आगे फिर से लूंगा। कन्फ्यूशियस साहब का एरा ये ज़ाऊ डायनेस्टी के दौरान रहा, अभी मैं उस पर आऊंगा, वी विल कम टू दैट। अभी थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये हमने जूम इन किया और हमने यहां पे पाया दैट द ज़ाऊ डायनेस्टी इनिशियली वेस्टर्न ज़ाऊ यानी पश्चिमी ज़ाऊ, बाद में ईस्टर्न ज़ाऊ यानी पूर्वी ज़ाऊ, ये जो 11वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होकर 3री सदी ईसा पूर्व में समाप्त होती है, जब किन ने सबसे पहला इंटीग्रेटेड साम्राज्य चीन का था वो किन डायनेस्टी थी। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रूल एंड रूलर एंड डायनेस्टी वॉज द किन डायनेस्टी, वो ज़ाऊ को समाप्त करके बना। ये वो पीरियड है जिसमें कन्फ्यूशियस फ्लरिश्ड। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। समझ में आ रहा है साथियों? तो अब आप टाइटल दीजिए इसी में, अगली हेडिंग चाइनीज फिलोसफी, चीनी दर्शन। हमने ये एक इतिहास देखा, इसे फिर से भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। जहां जरूरी होगा वो चित्र हम वापस लाएंगे। द चाइनीज फिलोसफी, चीनी दर्शन शास्त्र, इट टुक बर्थ इन द स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। इसका जन्म हुआ स्प्रिंग और ऑटम पीरियड एंड द वॉरिंग स्टेट्स पीरियड, ये दो अलग अलग काल आते हैं। तो पूरा चीनी दर्शन आज जो जाना जाता है इन द रिगरस सेंस, इसका जो कोडिफिकेशन हुआ, इस पे जो किताबें लिखी गई, इस पे जो टीचर्स आए स्टार्टिंग विद कन्फ्यूशियस और उनकी मृत्यु के बाद उनके डिसाइपल्स और दूसरे कॉम्पिटिटर्स और इनका मर्जर, वो सब आ गए। फिर बुद्धिज्म भी भारत से वहां पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कितना मजेदार एक पूरा एवोल्यूशन की प्रोसेस रही है। तो चीनी फिलोसॉफी टुक बर्थ इन द स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड, स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड यानी कि बसंत और शरद काल, एंड द वॉरिंग स्टेट्स पीरियड यानी युद्धरत राज्यों का काल। अब ये जो स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड है ये 8th सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी BCE तक चलता है। अभी इसके चित्र भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड आप देखेंगे, दिस इज द स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड जिसको हम बसंत व शरद काल कह सकते हैं। 8th टू 5th सेंचुरी BCE ये चलता रहा। इसी दौरान हम कन्फ्यूशियस और सारा दर्शन कब आया वो देख रहे हैं। एंड द वॉरिंग स्टेट्स पीरियड यानी आपस में युद्धरत लड़ाकू जो लड़ रहे हैं आपस में, उन राज्यों का काल, ये 475 से 221 BCE रहा वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। ओवरऑल इट वॉज कॉल्ड द 100 स्कूल्स ऑफ थॉट पीरियड। तो कुल मिलाकर ये जो स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड हो गया और जो वॉरिंग स्टेट्स पीरियड था, दोनों को जोड़ दें तो 100 स्कूल्स ऑफ थॉट पीरियड होता, यानी सैकड़ों विचारों का युग 6th सेंचुरी से 221 BCE तक। तो चित्र में आपने अभी जो देख रहे हैं आप, ये वो चाइनीज प्लेन इन द लेट स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड है। तो ये वो वसंत व शरद काल के दौरान कौन कौन से रूलर्स कहां थे वो बताया। ये सब बारीकी से आपको जानना जरूरी नहीं है, बट जस्ट टू नो स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड नाम का एक कॉन्सेप्ट है झाऊ डायनेस्टी के समय, इतना आवश्यक होगा हर लिहाज से। और ये है वॉरिंग स्टेट्स जो आपस में युद्ध रहे, इस सब के बीच में कन्फ्यूशियस का उदय होता है। ये वॉरिंग स्टेट्स है 476 टू 221 जिसके समाप्त होते ही, जैसा हमने शुरू में आपको बताया था, किन डायनेस्टी का उदय हो गया जिन्होंने सब पर विजय पाली, QIN किन डायनेस्टी। इस तरह के बहुत सारे शब्द आज हमारे सामने आएंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल नोट स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड ऑफ वॉरिंग स्टेट्स पे देता हूं, तुरंत फिर कन्फ्यूशियस पे जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लें, चाइनीज फिलोसॉफी के उदय का युग स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड, वॉरिंग स्टेट्स पीरियड जिसको मिला दें तो हमने क्या नाम दिया, 100 स्कूल्स ऑफ थॉट पीरियड। तो आइए एक लाइन और स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड पे लिख लेते हैं। तो अब आप टाइटल दीजिए स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। तो जब आप स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं।
तो यहां पर हमने वापस द चाइनीज प्लेन इन द लेट स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड 5th century BC वापस यहां आ गए हैं। इसे चीनी भाषा में कहते हैं चुन च्यू शी दाई, चुन च्यू शी दाई स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। हिंदी में क्या कहेंगे? बसंत व शरद काल, चुन च्यू शी दाई 771 to 476 BC। द रॉयल अथॉरिटी ऑफ द झाऊ डिक्लाइन, जो झाऊ साम्राज्य था ZHOU, उसकी ताकत बुरी तरह से गिरी। रीजनल रूलर्स इमर्ज, बहुत सारे क्षेत्रीय नेता आ गए। फाइट्स ब्रोक आउट, खूब लड़ाइयां हुई। एंड द किंग एट द कैपिटल ऑफ लुई वॉज डिफाइड, जो राजधानी थी वो लुई थी, LUOYI लुई, वहां पे राजा बैठता था झाऊ। आसपास के रीजनल जो टूट के अलग हो गए, उन्होंने उसकी ताकत को मानने से इंकार कर दिया। ये था स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। इस दौरान दर्शन इवॉल्व हो रहा है चीन का। कितने मजे की बात है कि ऐसा नहीं है कि इनस्टेबिलिटी के दौरान कोई दर्शन शास्त्र इवॉल्व नहीं हो सकता। कन्फ्यूशियस इस दौरान रहे, और अभी बहुत मजेदार बातें हम देखेंगे कि क्या मानवतावादी बातें करके वो इंसान गया, इसीलिए कम्युनिस्टों को पसंद नहीं आया और कन्फ्यूशियस को उड़ा दिया गया। लेकिन विचार कभी मरते नहीं, तो कन्फ्यूशियस मेड अ रिमार्केबल कमबैक इन द 21st century आफ्टर ऑल हु जिनताओ के समय से ही, टू फाइट द सॉफ्ट पावर स्प्रेड ऑफ अदर नेशंस नोटेबली इंडिया ऑल्सो। अब अगली हेडिंग दीजिए द वॉरिंग स्टेट्स पीरियड, और चित्र देखिए वॉरिंग स्टेट्स पीरियड का। फिर से ये वो युद्धरत राज्यों का काल है। दिस इज द वॉरिंग स्टेट्स पीरियड 475 to 221 BC, 475 से 221 ईसा पूर्व इतिहास। इसलिए बता रहा हूं साथियों, थोड़ा सा मुझे यहां टॉलरेट करें, क्योंकि कन्फ्यूशियस का पूरा परिदृश्य, उसका जो पृष्ठभूमि, उसकी जो कहानी है, वो समझने के लिए ये समझना जरूरी है। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड, इंटेंस वॉरफेयर टू क्रिएट वन एम्पायर, एक राज्य बने, उस हेतु सब लड़ पड़े आपस में। देयर वर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑल्सो इस समय में, 475 से 221 BC, ऑल्सो कॉल्ड द किन वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। क्यों कहा गया होगा क्विन, QIN, क्यों कहा गया होगा? क्योंकि 221 बीसी में ये जो पूरा वॉरिंग स्टेट्स पीरियड था समाप्त होने के बाद, एक छत्र साम्राज्य पहली बार चीन में क्विन डायनेस्टी का बना, QIN। तो क्विन राजवंश ने सबसे पहला यूनिफाइड चाइनीज एम्पायर 221 में बनाया। ये तो जीके की बहुत अच्छी चीज हमें पता चल गई। द फर्स्ट यूनिफाइड, एकीकृत समेकित चीनी जो एम्पायर था वो क्विन साम्राज्य था, जो वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के समाप्त होने पे आया। और ये वॉरिंग स्टेट और स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड वो काल था जिसको 100 schools of thought, जिसमें कन्फ्यूशियस ने फ्लरिश किया था। भारत में इस वक्त क्या हो रहा था साथियों? महाजनपद पीरियड, वैदिक काल हैड कम टू एन एंड, द वैदिक पीरियड, महाजनपद आ गए थे, और उसके बाद द मौर्य डायनेस्टी हैड टेकन ऑफ इन द 4th century BC। समझ में आ रहे हो? तो पैरेलल में दोनों चीजें आपको बताते जा रहा हूं। तो इतिहास मजेदार सब्जेक्ट है, मजा ले लेके पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। किन डायनेस्टी बना दी भैया हमने, फर्स्ट यूनिफाइड चाइनीज एम्पायर बना दिया आपने और मैंने, बहुत बड़े लोग हैं हम। अब ईस्टर्न ज़ाऊ पीरियड पर एक नजर डालते हैं, पूर्वी ज़ाऊ युग। जब आप देखेंगे पूर्वी ज़ाऊ युग, दिस वॉज मेड अप ऑफ टू पीरियड्स। देखिए अभी जो हमने ये पूरा काल देखा ना, इस काल को टॉप लेवल पे जाके अगर देखा जाएगा तो ईस्टर्न ज़ाऊ पीरियड वॉज मेड अप ऑफ द अबव टू पीरियड्स, या वॉरिंग स्टेट्स और स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। और जो ज़ाऊ डायनेस्टी थी, जो मैंने आपको शुरू में पूरा जो एक चित्र बताया था, अभी फिर से बताऊंगा, ज़ाऊ डायनेस्टी उस पर आ रहे हैं। ये हान डायनेस्टी का चित्र आप देख रहे हैं, आज की जो सबसे बड़ी डायनेस्टी, जो आज का चीनी, ये हान आप देख रहे हैं यहां पे, आज के चीनी नस्ल में हान 80% है, इसीलिए मैंने विशेष तौर पे यहां लाया। और ये ज़ाऊ डायनेस्टी आपको फिर से दिखा रहा हूं। ये ईस्टर्न ज़ाऊ पीरियड जो था साथियों, ईस्टर्न ज़ाऊ पीरियड वॉज मेड अप ऑफ दीज टू पीरियड जो हमने अभी ऊपर देखे, वॉरिंग स्टेट्स एंड स्प्रिंग एंड ऑटम। ज़ाऊ, जिस तरह किन वॉज द फर्स्ट यूनिफाइड चाइनीज एम्पायर, ज़ाऊ वॉज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना एवर। समझ में आया? बहुत इतिहास देख लिया हमने। ज़ाऊ डायनेस्टी सबसे दीर्घकालिक चल रहा जो साम्राज्य था वो ज़ाऊ डायनेस्टी का था, 11th century to 3rd century BC 1046 से पहले 771 और फिर 771 से 221 जब क्विन डायनेस्टी ने उसे ओवरथ्रो कर दिया। तो इस दौरान बहुत से राजा हुए होंगे, बिल्कुल हुए हैं। आप देखें राजाओं के नाम, ये सारे नाम याद कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीच बीच में थोड़ा सा
मजाक कर लेना चाहिए। कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्या बात कर रहे हैं सर, इतने नाम याद कर रहे हैं, नाम देखो एक बार जरा कैसे कैसे हैं, देखिए नाम, नाम ये याद होने वाले नाम ही नहीं, अगर एक साल तक भी याद करोगे तो किंग पिंग ऑफ जाओ, किंग झाई ऑफ जाओ, किंग हुआन ऑफ जाओ, किंग झुआंग ऑफ जाओ, किंग शी ऑफ जाओ, किंग हुई ऑफ जाओ, किंग शियांग ऑफ जाओ, किंग किंग ऑफ जाओ, ये तो याद ही नहीं होना, और इसलिए ये तो याद करना भी नहीं है, जो चीनी भाषा पढ़ते हैं उनको याद करने दो। आई होप ये पूरा बैकग्राउंड आपको याद हो गया। और इतने सारे नामों से एक और आदमी परेशान मुझे दिख रहा है, स्वयं कन्फ्यूशियस साहब, जस्ट किडिंग। तो अब आप हेडिंग दे दीजिए कन्फ्यूशियस, पहले उनके जीवन की बात करते हैं और तुरंत 5 मिनट के बाद उनकी फिलोसॉफी पे चलेंगे। कन्फ्यूशियस, ये हैं आदरणीय जनाब कन्फ्यूशियस। 551 में इनका जन्म होता है BCE, 551 एंड 479 BC में इनका देहावसान होता है, पास जब 479 479 BC, 72 वर्ष की आयु तक ये जिए और एक पूरे धर्म को जन्म देके गए। लेकिन ये धर्म एक रिजिड सेंस में धर्म नहीं है, इनकी नेशनैलिटी क्या थी, राष्ट्रीयता, ये झाऊ थे, समझ गए ना, इसीलिए मैंने वो सब आपको बताया, द नेशनैलिटी हियर इज झाऊ, ये समझ में आया आपको। अब यहां एक बड़ा मजेदार सवाल आता है, कौन कौन से चीनी फिलोसोफर, बिकॉज दिस इज अ सीरीज ऑन चाइनीज फिलोसोफर्स, वेयर वर दे बॉर्न, सारे ये चीनी दार्शनिक कहां कहां जन्मे, इस चित्र में आपको दिखेगा, ये आपको जन्मस्थली दिख रही है अलग अलग चाइनीज फिलोसोफर्स की, इसको आप आराम से स्टडी करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग फिलोसोफर्स के झाऊ डायनेस्टी के, तो ये डायनेस्टी खुद अपने आप में कितने 800 साल चल गई, उसके सारे फिलोसोफर्स का जन्म दिख रहा है। तो अब कन्फ्यूशियस के अंदर हम कुछ बहुत सरल बातें देखते हैं। ही वाज अ चाइनीज टीचर फिलोसोफर पॉलिटिशियन, वो एक टीचर भी थे, फिलोसोफर भी थे और वो पॉलिटिशियन भी थे। बहुत सालों तक उन्होंने जो राजा थे उनकी सेवा की, अलग अलग कैपेसिटीज में सेवा की, और ये स्प्रिंग और ऑटम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए आपको चित्र भी दिखाया कि जन्मे कहां, 771 से 476 स्प्रिंग और ऑटम पीरियड था, उसमें कन्फ्यूशियस साहब का जन्म हुआ था 551 से 479। लेकिन मजे की बात यह थी कि कन्फ्यूशियस हमेशा कहते थे कि जो प्राचीन 800 हजार 1200 1400 साल का ज्ञान है चीन का, वी मस्ट स्टडी इट इंटेंसली, वी शुड टेक द जूस आउट ऑफ इट एंड वी शुड स्प्रेड इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। और वो खुद को हमेशा कहते थे कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, आई एम अ कोडिफायर एंड ट्रांसमीटर ऑफ एंशियंट नॉलेज। क्या ह्यूमिलिटी इतने बड़े आदमी की, कि मैं तो सिर्फ पुराना ज्ञान उठाकर कोडिफाई करता हूं और आप तक लाता हूं, बाकी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हर बड़े आदमी की आपको ये खूबी इतिहास में मिलेगी, दैट दे वुड बी वेरी हम्बल इन द सेंस कि नहीं 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 आप तो सीखिए। और वो बहुत दुखी भी थे कि समाज में पुराना ज्ञान आगे जा नहीं पा रहा है। कम्युनिस्टों द्वारा 20वीं सदी में वन ऑफ द रीजन वाई दी माओइस्ट कम्युनिस्ट इन द 20th सेंचुरी वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद कन्फ्यूशियस, दे थॉट कन्फ्यूशियनिज्म यानी कन्फ्यूशियसवाद चीन के बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें कोई आक्रामकता ही नहीं है और इसलिए कन्फ्यूशियस को मिटा दिया गया इतिहास से। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, विचार नहीं मरते, थोड़ा बॉलीवुड की स्टाइल में फिल्मी होके बोलूं, कन्फ्यूशियस मरते नहीं, कन्फ्यूशियस लौट आते हैं। क्या बात है, ये तो बड़ा फिल्मी डायलॉग हो गया। अब आप फिर से इनकी बर्थ प्लेस देखेंगे तो ही वो द चाइनीज टीचर फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन ऑफ द स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड। दूसरा बिंदु कन्फ्यूशियस हेडिंग में आप लिखेंगे, बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इन चाइना एंड वन ऑफ द मोस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स की सूची बनती है वो कन्फ्यूशियस के बिना पूरी नहीं हो सकती, वो चाणक्य के बिना पूरी नहीं हो सकती, वो ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिनके बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ऋषि कनाड़ के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती, वैशेषिक स्कूल, एटिमोलॉजी। इनके नाम का हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे एटिमोलॉजी करके, इनका नाम जो कन्फ्यूशियस है तो पश्चिमी नाम है, ओरिजिनल नाम जो इनका था वो नाम था कॉन्ग फूजी, कॉन्ग KONG फूजी FUZI यानी मास्टर कॉन्ग, कॉन्ग फूजी जो बन गया कन्फ्यूशियस। बहुत नाम बदलते हैं इसमें। कन्फ्यूशियस जो थे, ही वॉज द सन ऑफ अ वेरी एल्डरली गैरिसन कमांडेंट, जो स्थानीय राजा का जो गैरिसन था उसके जो कमांडेंट थे, मिलिट्री कमांडेंट, उनका बेटा था कन्फ्यूशियस। पिताजी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई और माता ने ही उसको लालन पालन करके बड़ा किया और स्कूल में दाखिला दिलाया। तो ये इनकी एटिमोलॉजी और बेसिक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो। जब वो स्कूल गए तो उन्होंने वहां 6 आर्ट्स सीखी, 6 कलाएं, जो प्राचीन चीन था, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे वैदिक समय में और वैदिक समय के बाद भी गुरुकुल चलते रहे और उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब वैदिक पता नहीं था और कहते हैं शायद रहा भी हो, वन डजंट नो, दोज आर ऑल वेरी ग्रे एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कंटिन्यूइंग,
तो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज रहते ही होंगे, नहीं तो हजार अर्बन सिविलाइजेशन के सेंटर्स इंडस वैली में कैसे बन गए, एंड उस वक्त टीचिंग हुआ ही करती होगी, नहीं तो इतना स्टैंडर्डाइज ग्रिड लेआउट कैसे बनता। उसी तरह इन चाइना सिक्स आर्ट्स वर कंसिडर्ड द राइट्स ऑफ पैसेज टू बिकम अ ट्रू जेंटलमैन। एक जेंटलमैन अगर आपको बनना है तो ये छह कलाएं आपको सीखनी है। तो कन्फ्यूशियस साहब एक बड़े नॉर्मल से स्कूल में गए और उन्होंने वहां छह कलाएं सीखी, जिन्हें चीन में कहा जाता है लियू यी, LIUY, लियू यी, द सिक्स आर्ट। ये छह कलाएं कौन सी है लिखिए, बड़ी प्यारी कलाएं हैं। राइट्स, ये ना सारी परंपराएं, द राइट्स ऑफ पैसेज वाला राइट्स, RITES। म्यूजिक, तो जो म्यूजिक है, संगीत है, गायन है, इसको हर सभ्यता में सूनर और लेटर बहुत उच्च दर्जा मिल ही जाता है, बिकॉज म्यूजिक एंड मैथ्स आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनिवर्स। आर्चरी, समझ गए, चैरियटरिंग रथ चलाना, कैलीग्राफी खूबसूरत हैंडराइटिंग निकालना, तो आप लेखन, खूबसूरत लेखन, तो चाइनीज तो पूरी भाषा ही कैलीग्राफी जैसी दिखती है। एंड मैथमेटिक्स, तो म्यूजिक और मैथमेटिक्स तो आ ही गया, साथ में चैरिटरिंग आ गया, कैलीग्राफी आ गया, राइट्स आ गए और आर्चरी आ गया। मजा आया आपको? तो ये जो थे ये जाऊ डायनेस्टी का सिलेबस था। आप सोचो तो जाऊ साम्राज्य का ये सिलेबस पाठ्यक्रम हुआ करता था जो इन्होंने सीखा, और ये 1046 से 256 BC जाऊ डायनेस्टी चली थी, उसमें ये छह कलाएं होती थी। मजा आया सुन के? तो इसमें ये पारंगत हुए, एंड ही बिकेम अ ट्रू जेंटलमैन एज इट वॉज नोन इन चाइना। अब हिज लाइफ एज अ पॉलिटिशियन वॉज वेरी टर्बुलेंट, बिकॉज चाइना वॉज वेरी टर्बुलेंट, मैंने आपको वॉरिंग स्टेट जो बताया इसीलिए तो बताया। तो एक स्टेज ऐसा आया कि जब फाइनली इन्होंने सब कुछ छोड़ के ट्रैवलिंग शुरू किया। अब देखिए इनकी यात्राओं का वृतांत। अब उस वक्त ना हवाई जहाज होते थे साथियों, ना जहाज होते थे, ना गाड़ियां होती थी। तो ये इनके ट्रैवल का वृतांत है। इज लाइफ एज अ पॉलिटिशियन वॉज वेरी टर्बुलेंट, ही रिजाइन एंड स्टार्टेड अ लॉन्ग जर्नी। कंटिन्यूस यात्राएं करते रहे, सीखते रहे, अपनी बातों को फैलाते रहे, फैलाते रहे। हिज फिलोसफी इज फॉलोड बाय मेनी एज अ रिलीजन, दो इट इज सेक्युलर मोरालिटी। और इस दौरान इनकी पूरी फिलोसफी के विचार पक्के होते गए, इन्होंने किताबें लिखी, दर्शन लिखा, इनके फॉलोवर्स बनते गए। हालांकि ज्यादातर फॉलोवर्स की मृत्यु हुई, 72 फॉलोवर्स की सूची मिलती है, और ये इनका ट्रैवल चल रहा है। हिज फिलोसफी वॉज फॉलोड बाई मेनी एज अ रिलीजन, लेकिन कहा गया कि ये रिलीजन नहीं है, ये तो सेक्युलर मोरालिटी। अभी उनकी फिलोसफी में क्या क्या, मैं उस पर आया नहीं, मैं आ रहा हूं, बैकग्राउंड क्रिएट किया क्योंकि इस पूरी सीरीज के लिए आवश्यक था। ये समझ में आया आपको? तो उनकी फिलोसफी सेक्युलर मोरालिटी की फिलोसफी है, अर्थात एक धर्म निरपेक्ष नैतिकता, ये फिलोसफी भाई साहब देके गए। लेकिन साथियों, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने उनकी सारी बातों को जो कंपाइल किया, उन्हें एनालेक्स ऑफ कंफ्यूशियस कहते हैं। ये रहा एक चित्र, एनालेक्स ऑफ कंफ्यूशियस, कितना खूबसूरत है, कैलीग्राफी ही है मान लीजिए, दी एनालेक्स, ANALECTS। तो उनकी सारी टीचिंग्स तो इस तरह कंपाइल किया गया, और ये बड़े खूबसूरत पठनीय ग्रंथ हैं, अगर चीनी आती हो तो। आपके हमारे लिए केवल चित्र हैं, लैटिन और ग्रीक हैं। अब आप बात करते हैं कन्फ्यूशियनिज्म की, और वो फिलोसॉफी 2 मिनट में मैं उस पर आ रहा हूं। कन्फ्यूशियनिज्म ये जो शब्द है ना, इस शब्द को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है चीन में, उसे कहते हैं रूइज्म, RUISM। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीनी भाषा में रू का मतलब होता है स्कॉलर। तो आप देख रहे हैं चित्र में कन्फ्यूशियस साहब के साथ में बहुत सारे उनके छात्र बैठे हैं, एक छात्र उनके सामने नील डाउन करके बैठे हैं, वो अभी अभी सभा में आए हैं, शायद आज लेट हो गए, थोड़ी सी डांट पड़ने वाली है, जस्ट किडिंग। हाँ, सो कन्फ्यूशनिज्म यानी रूइज्म जो है, क्योंकि रू शब्द जो चीनी भाषा में है आपके सामने, ये चीनी सिंबल है रू के लिए, स्कॉलर यानी जो बहुत गहरा अध्ययन करता है। ये अपने आप में एक रिलीजन, अ वे ऑफ लाइफ, अ ट्रेडिशन, अ ह्यूमनिस्टिक थॉट कहलाया। तो कन्फ्यूशियस धर्म, कन्फ्यूशियस वाद, उसे ही रूइज्म कहते हैं। जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है रू, यानी एक स्कॉलर का सिंबल। अब आप खुद सोचिए, आज से 2500 साल पहले जिस किसी ने सिंबल बनाया होगा, हू सो एवर वुड हैव क्रिएटेड द सिंबल 2500 ईयर्स अगो, उन्होंने क्या सोच के सिंबल बनाएगा? आप होते तो क्या आप यही सिंबल बनाते या कुछ और बनाते? तो सिंबल का अर्थ क्या होगा, खुद सोचिए। इस तरह से सोच सोच के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला बिंदु इसमें जो हम देखेंगे वो बड़ा सरल है। कन्फ्यूशियस कॉल्ड हिमसेल्फ अ रिकोडिफायर एंड अ रिट्रांसमीटर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द शांग एंड द झाऊ डायनेस्टी। कन्फ्यूशियस साहब जो थे वो ये कहते थे कि मैं तो जो शांग डायनेस्टी थी, जाऊ के पहले वाली, 1600 से लेके 1100 तक की शांग डायनेस्टी,
और जाऊ डायनेस्टी 11 से लेके 3rd सेंचुरी तक, इनकी जो वैल्यूज थे, मूल्य थे, सीख थी, ज्ञान था, वहां के स्कॉलर्स ने जो कुछ लिखा, बोला, कहा, मैं तो उसको रिकोडिफाई और रीट्रांसमिट ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट अ रिकोडिफायर एंड अ रीट्रांसमिटर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द शांग एंड द जांग जाऊ डायनेस्टी. शांग SHANG जाऊ डायनेस्टी. समझ गए आप? तो इस तरह से कन्फ्यूशनिज्म में उन्होंने खुद को जो कहा वो ये है. एक और चित्र यहां आपको दिखाया जाना बड़ा जरूरी है. आप ये देखेंगे इस चित्र को. दिस इज तियान. तियान से हमारा आशय होता है साथियों द गॉड ऑफ हेवन. अभी हम 2 मिनट में बस फिलोसॉफी पर आ रहे हैं, तब हम तियान भाई साहब पर वापस लौटेंगे. तो ये कन्फ्यूशियस कॉलिंग हिमसेल्फ अ रिकोडिफायर एंड रीट्रांसमिटर आपको समझ में आ गया. अगला बिंदु आप लिखेंगे इन 1905 AD, 1905 ईस्वी की बात कर रहा हूं, 100 साल पहले, 110-115 साल पहले, ऑफिशियली कन्फ्यूशनिज्म वॉज रिमूव फ्रॉम द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ चाइना. द एग्जामिनेशन सिस्टम वॉज क्रैप जो हजारों सालों से चलता रहा था, and Confucianism was officially removed from China by the scrapping of the examination system. 1905 की बात कर रहा हूं, समझ में आया आपको? And the new intellectuals at that time, आपको पता ही है सन यात सेन वगैरह आया, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना बना एक सेक्टर, फिर माओ ज़ेडोंग का उदय हुआ, KMT वर्सेस PRC के जो CPC था. न्यू इंटेलेक्चुअल ब्लेम्ड इट फॉर चाइनाज वीकनेसेस, कि चीन आज इतना गरीब और इतना सब कॉलोनियल पावर से पिट रहा है क्योंकि हम कन्फ्यूशियस में यकीन करते हैं. आप देखिए बिल्कुल उल्टी दिशा में निकल गए. और बाद में तो उसको रिप्लेस बाय ROC था, सन यात सेन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया था, और ROC रिप्लेस हुआ तो फिर कन्फ्यूशनिज्म और खड्डे में चला गया, रिप्लेस बाय PRC ऑफ माओ, पीपल्स रिपब्लिक चाइना ऑफ माओ. माओ खुद कहते थे कि जब तक हम हमारे इन प्राचीन परंपराओं को उठा के समुद्र में नहीं फेंक देंगे, हम एक शक्तिशाली आधुनिक राज्य कभी बन ही नहीं सकते. तो कन्फ्यूशनिज्म की पिटाई भी खूब हुई है चीन में ही. तो अब आखिरी बिंदु इसमें लिखिए द 5 क्लासिक्स. तो ये जो 5 शास्त्रीय ग्रंथ मिलते हैं, मौलिक ग्रंथ मिलते हैं, वो कौन से हैं? ये कन्फ्यूशियस पूरे ट्रेडिशन से जुड़े हुए, इसके बाद फिलोसॉफी पर आ रहे हैं. 5 क्लासिक्स रिटन बाय कन्फ्यूशियस एंड हिज फॉलोवर्स. हालांकि आज के स्कॉलर्स कहते हैं कि पक्का नहीं कह सकते किसने लिखा, लेकिन विचार उन्हीं के हैं. रिटन बाय कन्फ्यूशियस एंड हिज फॉलोवर्स एम्बॉडिंग द 5 विजन्स. तो 5 क्लासिक्स यानी 5 प्रमुख ग्रंथ जिसमें 5 दर्शन दिए. 1, 2, 3, 4, 5 करके लिख लीजिए. दरअसल 5 क्लासिक्स एंड 4 बुक्स की बात होती है. नंबर 1 बुक ऑफ चेंजेस, 5 लाइन में लिखिए, बुक ऑफ चेंजेस परिवर्तन की किताब या परिवर्तन ग्रंथ. दूसरा बुक ऑफ सॉन्ग्स गीत ग्रंथ. तीसरा बुक ऑफ हिस्ट्री इतिहास ग्रंथ. चौथा बुक ऑफ राइट्स यानी सारे ये ट्रेडिशंस का ग्रंथ, आपकी जो परिपाटियां चली आ रही हैं उनका ग्रंथ. और पांचवा स्प्रिंग एंड ऑटम एनाल्स यानी ये जो हमने बसंत व शरद काल उनका पूरा लेखा जोखा, दी एनल्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं ना, इन्हें पूरा क्रॉनिकल्स होते हैं वो. पहले पर आ जाइए बुक ऑफ चेंजेस. इट्स अ मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल या नेक्स्ट स्पिरिचुअल, इट वाज मेटाफिजिकल विजन कंबाइनिंग डिवाइन आर्ट विद एथिकल इनसाइट. सबसे पहला बुक ऑफ चेंजेस. सो इट्स अ मेटाफिजिकल विजन यानी एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने एक दर्शन की बात की जिसमें डिवाइन आर्ट यानी भगवान से देवी स्वरूप आर्ट को जो रियल एथिकल इनसाइट्स है यानी मोरालिटी के बारे में जो विचार हैं मर्ज करके बताया गया. बड़ा जमीन पर चलने वाले आदमी थे क्योंकि अभी देखेंगे. दूसरा बुक ऑफ सॉन्ग्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स. इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गाने हैं, बॉलीवुड के भी बहुत सारे गाने हैं क्योंकि दीज आर कॉमन ह्यूमन इमोशंस. ये मानवता के आम इमोशंस होते हैं. हॉलीवुड बॉलीवुड सब कुछ था इसमें. किसी चीनी ने सुन लिया तो बहुत पीटेगा मुझे. तीसरा बुक ऑफ हिस्ट्री. इसमें इन्होंने क्या किया, स्पीचेस ऑफ ऑल द मेजर लीडर्स रूलर्स इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन ये बुक ऑफ हिस्ट्री में डाल दिया. ये सब पुराने पुराने भाषण सब इकट्ठा कर करके डाल दिए. क्यों किया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि दिस इज द पॉलिटिकल विजन ऑफ एथिक्स एंड अ ह्यूमेन गवर्नमेंट. ये पूरा एथिक्स का यानी पूरा नैतिकता का राजनीतिक दर्शन है. और एक सरकार मानवतावादी कैसे बने, वो बार बार ये बोलते थे ह्यूमेन गवर्नमेंट. समझ गए? चौथा बुक ऑफ राइट्स RITES ऑल द सोशल फॉर्म्स एंड सेरिमोनियल राइट्स. जितने भी परंपरागत जो परिपाटी होती थी उसकी पूरी सूची और सोशल फॉर्म जो ढांचा होना चाहिए समाज का. तो उन्होंने क्या कहा, कम्युनिटी ट्रस्ट पे बनती है. समाज पूरा का पूरा केवल एक चीज पर टिका है, वो है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी.
अगर हम एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करेंगे, वो चीनियों के लिए बोलते थे, तो समाज ही नहीं टिक पाएगा और जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे अपने कामों की। अब आप इसको अगर वर्ण व्यवस्था के साथ देखेंगे जो वैदिक युग से निकलकर आई और फिर गुप्त साम्राज्य में जो जाति प्रथा में तब्दील हो गई, जेनेटिक स्टडीज बताती हैं, तो बड़ा मजेदार कोरिलेशन दिखता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन फोर ऑक्यूपेशन। चार फंक्शनल ऑक्यूपेशन देते हैं कन्फ्यूशियस, भारत के चार वर्णों और बाद की चार जातियों से जोड़ के आप देखिएगा, जिसका खामियाजा आज तक देश भुगतता आ रहा है क्योंकि जाति व्यवस्था बड़ी हमारे यहाँ जो है मूड बन गई। फोर फंक्शनल ऑक्यूपेशन यानी चार क्रियात्मक पेशे कन्फ्यूशियस के क्या हैं? फार्मर्स, किसान, सारी एग्रीरियन सोसाइटीज रही हैं भारत, रही है, आज भी है भारत। स्कॉलर्स, तो सारे जितने गहरन अध्ययन करने वाले हैं। आर्टिजन्स, सारे कलाकार लोग। और मर्चेंट्स, व्यापारी लोग। फार्मर्स हैं, किसान हैं, स्कॉलर्स हैं जिनको भारत में पंडित कह सकते हैं या ब्राह्मण कह सकते हैं, आर्टिजन से कलाकार हैं और मर्चेंट्स हैं जितने भी व्यापारी हैं। तो अब आप अपने दिमाग से कुछ सोचिए कि और क्या है। और पांचवी किताब है स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, इसमें इन्होंने 771 से 476 बीसी का यानी ईस्टर्न साउथ लेटर पीरियड का पूरा कलेक्शन लिखा। क्यों उन्होंने कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं कि ये किताब जरूर पढ़ो, ऐसा वो कहते थे, कहते रहे होंगे, ऐसा इतिहास बताता है। कलेक्टिव मेमोरी फॉर कम्युनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये हमारी सामूहिक याददाश्त है। कलेक्टिव मेमोरी फॉर कम्युनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ताकि सांप्रदायिक स्व पहचान बन सके। दिस कम्युनल इज नॉट मारो नॉट दैट कम्युनल, दिस कम्युनल इज हम इस संप्रदाय से हैं, उसका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। कलेक्टिव मेमोरी फॉर कम्युनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, पांचवी किताब स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, मजा आया आपको? तो आज के अंतिम भाग पर आते हैं। अभी हमने इतिहास देखा, कन्फ्यूशियस कौन थे वो देखा, बहुत सी राजनीति से जुड़ी बातें देखी, पांच किताबों का नाम देखा, तियान नाम के भगवान के बारे में जाना। अब हम देखते हैं तियान साहब फिर से आते हैं सामने। अब आप अगली हेडिंग दे दीजिए, फिलोसफी। तो इनका दर्शन क्या था, ब्रैकेट में लिखिए कन्फ्यूशियनिज्म अर्थात कन्फ्यूशियसवाद, 2000 years old, 2000 सालों से चलता ही चला आ रहा है और ये जिंदा है आज भी, समाप्त नहीं हुआ। जैसे वैदिक धर्म भारत में आज भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। सिंधु घाटी की कितनी सारी मान्यताएं आज भी भारत में जिंदा है। अरे भाई, पीपल के पेड़ को इतना सम्मान दिया गया ना, सिंधु घाटी की मोहरों में पीपल के पेड़ को सम्मान देते हुए दिख रहे हैं, 5000 साल पुराना। मैं आपको वाकई ये बताना चाहूंगा साथियों कि अगर भारत के इतिहास को चीन के इतिहास को कंपेयर करेंगे तो हमारा इतिहास उनसे 5,000 से 6,000 साल ज्यादा पुराना रिकॉर्डेड मिलता है। चाइना इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन विद अ ग्रेट एंड अ डीप हिस्ट्री जस्ट लाइक इंडिया, बट इन टर्म्स ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मेहरगढ़ से लेके इंडस वैली से लेके वैदिक से लेके आगे तक हम 3,000-5,000 साल और पीछे जा सकते हैं भारत के कंटेक्स में, विच परहैप्स इन द केस ऑफ चाइना वुड बी स्लाइटली लेस दैट एक्सप्लिसिट, ऑल्दो वहां भी दसों हजारों साल के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। सो दैट्स बिसाइड द पॉइंट, आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट इट दिस वे। तो हमने अभी क्या देखा, फिलोसफी, ब्रैकेट में लिख लीजिए कन्फ्यूशनिज्म, 2000 सालों से चल रहा है, स्प्रेड टू कोरिया, जापान, वियतनाम एक्सेट्रा, सब तरफ फैला हुआ है कन्फ्यूशनिज्म, कोरिया गया, जापान गया, वियतनाम गया। अब इसके भीतर हम देखते हैं फिलोसफी बेसिकली 9 एंशंट वर्क से डिफाइन हुई, यानी 9 प्राचीन जो कार्य थे उससे डिफाइन हुई, जिसमें 5 स्पेसिफिक क्लासिक्स एंड 4 बुक्स मानी जाती हैं। तो जब कन्फ्यूशनिज्म की बात होती है तो कोई भी कन्फ्यूशनिज्म का स्टूडेंट, कन्फ्यूशियसवाद का स्टूडेंट बोलता है 9 एंशंट वर्क्स हम पढ़ते हैं, 9 प्राचीन वर्क जिसमें 5 क्लासिक्स और 4 बुक्स होती हैं। तो ठीक है, वो तो एक रिगरस सी बात होगी। अब इसके कुछ बिंदु लिखवा रहा हूं, एक एक करके लिखिए। सबसे पहला, ये कन्फ्यूशियसवाद कहता क्या है, इट परस्यूज द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड द गॉड ऑफ हेवन। कन्फ्यूशनिज्म परस्यूज द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ, मेरा अपना स्व व्यक्तित्व जो है एंड गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग में बैठा भगवान, इनकी यूनिटी होनी चाहिए। और स्वर्ग में बैठे भगवान कौन है, तियान, जिनका सिंबल ये है, दिस इज द गॉड इन हेवन तियान। तो ये तो एक ना एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो ब्रह्म का ही कॉन्सेप्ट काफी हद तक मिलता जुलता, लेकिन कल्चरल कंटेक्स्ट एकदम अलग होते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेवन, तो ये स्वर्ग का प्रिंसिपल क्या होता है, स्वर्ग का सिद्धांत क्या, ये बहुत अच्छा है, लिखिए इसको, द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन एंड द सोर्स ऑफ डिवाइन अथॉरिटी, ऑर्डर ऑफ क्रिएशन एंड द सोर्स ऑफ डिवाइन अथॉरिटी, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ हेवन, इट इज मोनिस्टिक इन नेचर। तो मोनिस्टिक इन नेचर क्या है, देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल,
single point of existence, single point of उद्गम और प्रचार प्रसार, multiple नहीं, समझ गए? तो एक तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो अद्वैत वेदांत में इसकी झलक मिलती है, ब्रह्म कॉन्सेप्ट में इसकी झलक मिलती है, बहुत सारी चीजों में सिमिलैरिटी मिलती है। तीसरा बिंदु लिखेंगे फिलोसॉफी में, इंडिविजुअल कैन रियल इंडिविजुअल कैन रियलाइज ह्यूमैनिटी एंड बिकम वन विथ हेवन। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, एक व्यक्ति अपनी मानवता को अगर पहचान ले सो ही कैन बिकम वन विथ गॉड, ही कैन बिकम वन विथ हेवन, यानी तियान। तो मानवतावाद के जरिए ही ये यूनियन भगवान के साथ संभव है, उसके बिना नहीं है। एंड दिस कॉन्सेप्ट देन एक्सटेंड्स टू फैमिली एंड देन टू सोसाइटी, और यही यूनियन फिर फैमिली तक जाएगा और सोसाइटी तक जाएगा, तो सब कुछ ये मानवतावादी काम हो जाएगा। चौथा बिंदु, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जब ये सब पढ़ा तो उन्होंने कहा दैट कन्फ्यूशनिज्म डेफिनेटली साउंड्स लाइक अ सिविल रिलीजन। अब आप देखेंगे परंपरावादी रिलीजन्स में आपको जो परंपराएं हैं वो निभाने को कहा जाएगा, कन्फ्यूशनिज्म वो नहीं कह रहा है आपको। हाँ, वो कुछ परंपराएं बता रहा है, एंसेस्टर्स की और इन सब की पूजा करनी चाहिए, मंदिर होने चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन प्राइमरी जोर दे रहा है कि अपनी ह्यूमैनिटी को पहचानो। तो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहा कि कन्फ्यूशनिज्म दरअसल एक सिविल रिलीजन है, तो सिविल रिलीजन है ना, नागरिक धर्म है, बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ 1, 2, 3, 4, चार चीजों की वर्शिप पे बेस्ड है। लिखिए चारों, 1, 2, 3, 4। सबसे पहला है हेवन एंड अर्थ, तो स्वर्ग और पृथ्वी। दूसरा है द सोवरेन, यानी कि जो हमारे सम्राट हैं, राजा हैं, एम्परर हैं। तीसरा एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे, कल को हमें कोई याद नहीं करेगा। और चौथा द मास्टर्स, जितने भी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। तो कौन से चार बताए? हेवन एंड अर्थ, सोवरेन, एंसेस्टर्स, मास्टर्स। इन चारों के चीनी नाम भी लिख लीजिए। सबसे पहला का है दी, डी आई। दूसरे के लिए, सोवरेन के लिए है जुन, जे यू एन। तीसरे एंसेस्टर्स के लिए है किन, क्यू आई एन, जो कि वो क्विन डायनेस्टी भी थी, द फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड चाइनीज एम्पायर 221 BC से। और चौथा है मास्टर्स, जिनके लिए है शी, SHI। तो ये चार शब्द जरूर याद रखिएगा, दी, जुन, क्विन, शी। ये हैं वो स्पेसिफिक वर्शिपेबल एलिमेंट्स जिससे सिविल रिलीजन चलता है। मजा आया आपको? अगला बिंदु लिखिए, यूनिवर्स के बारे में वो क्या कहते हैं। यहां बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। आपने भगवान महादेव को अर्ध नारीश्वर स्वरूप में देखा है कभी? व्हाट इज द अर्ध नारीश्वर कॉन्सेप्ट? दिस इज द चाइनीज वर्जन ऑफ अर्ध नारीश्वर, यिन एंड यांग। अरे भाई, यही तो शंकर और पार्वती का जो अर्ध नारीश्वर रूप है, दैट इज द यिन एंड यांग। बिल्कुल एग्जैक्टली पोलर ऑपोजिट्स विच आर कॉम्प्लीमेंटरी, एक दूसरे के धुर विरोधी, जो दरअसल एक दूसरे के पूरक हैं। पोलर ऑपोजिट्स विच आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री, मेल एंड फीमेल एनर्जी विच एक्चुअली इज वन, द मेल विच कैरीज फीमेल एनर्जी इन हिम एंड द फीमेल विच कैरीज मेल एनर्जी इन हर। इस तरह से यिन एंड यांग की परिभाषा पे आते हैं। तो अब लिखिए, यूनिवर्स क्रिएट्स इटसेल्फ आउट ऑफ द केओस ऑफ मटीरियल एनर्जी। ब्रह्मांड अपने आप को मटीरियल एनर्जी की अव्यवस्था से बना लेता है। And it uses the polarity of yin and yang. और ऐसा कैसे करता है यूनिवर्स? क्योंकि वो इस yin and yang की polarity को use करता है। तो ये diagram जरूर बना देना, yin and yang, ये दुनिया का सच है। हमेशा opposite forces exist करेंगे, लेकिन अगर शांति से देखें तो उनको merge करके एक unified whole बन सकता है। और Confucius बात कहता है that this universe creates itself out of the chaos of material energy using the polarity of yin and yang. मतलब it is as fundamental as this to the whole idea of Confucianism. समझ में आया आपको? Hence, universe is a continuous ordering. यानी ये तो लगातार बनती हुई व्यवस्था है out of the chaos of material energy. Full stop. तो yin and yang की परिभाषा भी मैंने आपको दे दी साथियों, एक दूसरे के धुर विरोधी, जो दरअसल एक दूसरे के पूरक हैं। yin and yang are the opposites but they are complementary forces. अब आप सेशन के बाद अर्ध नारीश्वर स्वरूप ढूंढ लीजिएगा, उनके चित्र देखिएगा, इतने खूबसूरत पेंटिंग्स मिलेंगी आपको अर्ध नारीश्वर की। और कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अर्ध नारीश्वर चित्र दिखे तो कन्फ्यूशियस और yin and yang को याद करना मत भूलिएगा, एक ही सोच है दोनों, कल्चरल कंटेक्स्ट अलग हो गए लेकिन सोच एक ही है। यहां पर आप देखेंगे फिर से yin and yang को, ये आपको एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज दिख रही है। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शंकर और माता पार्वती आपको ह्यूमन फॉर्म में दिखते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है. अगला बिंदु आप लिखेंगे, एथिकल कोड्स कैन बी फॉलोड बाय एनी ह्यूमन बीइंग डिफाइंड बाय द फाइव कॉन्स्टेंट. तो वो कहते हैं कि जो एथिकल कोड्स हैं यानी जो नैतिकता है, कोई भी मानव फॉलो कर सकता है और इसमें पांच चीजें हमेशा स्थिर रहेंगी. कौन सी ये पांच चीजें हैं? फाइव कॉन्स्टेंट, जिसको कहते हैं व्यू चैंग, WUCHANG, व्यू चैंग, फाइव कॉन्स्टेंट्स. बेनेवोलेंस अर्थात मन में हमेशा दूसरों के लिए भलाई. राइचियसनेस यानी हमेशा न्याय प्रिय होना. प्रॉपर राइट सही परिपाटी का पालन करना. नॉलेज ज्ञान की तलाश करना. इंटेग्रिटी बेईमानी नहीं करना. तो पहला क्या था? बेनेवोलेंस यानी हमेशा मन में दूसरे के भले के विचार रखना. चीनी नाम लिख लो रेन. दूसरा राइचियसनेस न्यायप्रिय होना, चीनी नाम है यी, वाई आई. तीसरा है प्रॉपर राइट, RIT, यानी सही परिपाटी सही परंपरा जिसके लिए है ली, LI. चौथा है नॉलेज, जी, ZHI. और पांचवा क्या था? इंटेग्रिटी, शिन. तो पांच चीजें क्या हो गई? रेन, यी, ली, जी, शिन. और हमने पहले आपको चार चीजें तो बताई थी साथियों, हेवन एंड अर्थ, सोवरेन, एंसेस्टर्स एंड मास्टर्स. याद है ना वो चार की पूजा जिससे इंडिविजुअल्स कैन रियलाइज ह्यूमैनिटी और सिविल रिलीजन बनता है, जिसके लिए हमने शब्द दिए थे दी, जुन, क्विन, शी. तो यहां पांच शब्द आ गए, रेन, यी, ली, जी, शिन. तो कुछ कुछ चीनी भाषा भी हम शायद सीख जाएंगे, हालांकि कठिन है ये एक स्टेप पे. तो फिर उसके बाद वो बात करते हैं चार वर्च्यूज की, कि आपके भीतर चार गुण कौन से होने चाहिए. वो लिख लीजिए, द फोर वर्च्यूज. लॉयल्टी, वफादारी हमेशा होनी चाहिए, जिसके लिए नाम है जोंग, ZHONG. दूसरा वर्च्यू है फिलियल पीएटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी शब्द है फिलियल पीएटी, FILIAL, फिलियल पीएटी, PIETY, रिस्पेक्ट फॉर एंसेस्टर्स, पूर्वजों के प्रति सम्मान, फिलियल पीएटी. ये चीन में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा ये भारत में महत्वपूर्ण है. कम्युनिस्टों को इसी से तो चिढ़ थी और इसी को तो उन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जो आज फिर उसकी जरूरत फाइनली महसूस होने लग गई उनको. इंसान उसके बिना जी नहीं सकता है ना, इसके लिए चीनी नाम है झाओ, XIAO. कहीं कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत भी हो सकती है, उसके लिए सॉरी. तीसरा है कंटिंजेंसी, जसके लिए नाम है जाई, JIE. और आखिरी है राइचियसनेस, ये रिपीट हो गया है, न्यायप्रियता, ये. समझ में आ गया साथियों? तो लॉयल्टी, फिलियल पीटी, कंटिंजेंसी, राइचियसनेस, जोंग, शाओ, जाई, जी. उसके बाद वो कहते हैं कि जो पूरे कन्फ्यूशियस वाद का जो हृदय है, जैसे आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्फ्यूशियनिज्म का जो हृदय है वो है जैन, JEN. जैन मत लिख लेना जैन धर्म, दिस इज जैन, JEN, चीनी शब्द है. जैन इज द हार्ट ऑफ कन्फ्यूशनिज्म, कन्फ्यूशियस वाद का हृदय है. यह है लव एंड ह्यूमैनिटी इज द सुप्रीम वर्च्यू. क्या बात है, ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद है भैया. प्रेम और मानवता से बड़ा कोई वर्च्यू या गुण नहीं हो सकता. यह कन्फ्यूशियस वाद का जैन सबसे जो इंटरनल फीलिंग है वो ये. अब आप देखिए, कन्फ्यूशियस इतने हिंसक समय में रहते थे तब ये बातें कर रहे हैं, शायद इसीलिए कर रहे हैं, वन डजंट नो. और इसके दो हिस्से निकलते हैं, चुंग एंड शू. ये जो जैन है इसके दो हिस्से हैं, चुंग एंड शू. चुंग का मतलब है फेथफुलनेस और शू का मतलब है ऑल्ट्रुइज्म, दूसरे की मदद करना, ALTRUISM. मजा आया, समाप्त करें हम इसको. तो कन्फ्यूशियस कहते थे, फिलोसॉफी के आखिरी दो बिंदु लिख लीजिए, पैट्रियार्कल गवर्नमेंट इज गुड, यानी एक मर्द राजा ऊपर बैठा हो ताकतवर, ये बहुत अच्छी बात है. नेचुरली पुराने समय में ऐसी विचार हुआ करते थे, जेंडर इक्वालिटी की बातें स्पोरैडिकली दिखती हैं. अ पैट्रियार्कल रूलर वाज ऑलवेज गुड फॉर द सोसाइटी, वेयर द सोवरेन इज बेनेवोलेंट एंड द रूल्ड आर ओबीडिएंट. यदि राजा हमेशा दयालु हो, धर्मालु हो, और जिनके ऊपर शासन हो रहा है वो प्रजा हमेशा अनुशासन प्रिय हो, तो राज्य बहुत बढ़िया चलता है. फिर वो कहते हैं, इन एजुकेशन देयर कैन बी नो क्लास डिस्टिंक्शन. कितनी बड़ी बात कही है, शिक्षा में कोई वर्ग भेद कभी नहीं होना चाहिए. और अंतिम बात, ह्यूमंस आर फंडामेंटली गुड, टीचेबल, इंप्रूवेबल, परफेक्टेबल. कन्फ्यूशियस कहते रहे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक कि मानव हमेशा अच्छे होते हैं, फंडामेंटल नेचर ऑफ मैनकाइंड इज गुडनेस. उन्हें सिखाया जा सकता है, दे आर टीचेबल. उन्हें सुधारा जा सकता है, दे आर इंप्रूवेबल. एंड उन्हें परफेक्ट बनाया जा सकता है, दे आर परफेक्टेबल. यह कहना था कन्फ्यूशियस का, जो कम्युनिस्टों को बिल्कुल पसंद नहीं आया भैया, माओ वालों को. तो यह कहानी थी कन्फ्यूशियस की और कन्फ्यूशियस वाद, उनकी फिलोसफी की. साथियों,
जब कन्फ्यूशियस साहब की मृत्यु हुई ये उनकी याद में बनी हुई समाधि है, 479 BC में उनकी मृत्यु हुई, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, 2,500 सालों के बाद भी जो विचार कभी ना मरे वो विचार निश्चित तौर पर बहुत ही ताकतवर विचार होगा। हमारी तरफ से चाइनीज फिलोसोफर्स पार्ट वन कन्फ्यूशियस में आज इतना ही। क्विकली समरी लिखिए कमेंट थ्रेड में, शॉर्ट समरी भी लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव समरी भी लिख सकते हैं। वील बी वेटिंग फॉर योर इनपुट्स ताकि हम सब एक दूसरे से और सीख सकें और टेस्टिमोनियल लिखने की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। नमस्ते, जय हिंद।